एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 11.4 से पहले एग्जाम्पल नंबर लास्ट है जो 11वां एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल 2018 बोर्ड के अंदर आया था। 6 नंबर में जो थोड़ा क्वेश्चन आता है उसमें 6 नंबर में पूछा गया था। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बोधायनपुर में से आपको 4 रिजल्ट लिखने हैं और उसके बाद ये तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो ये समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। इसमें गलती कहाँ पर होती है कि जो डायग्राम इसने बना बुक के अंदर जो बनाया हुआ है तो वो डायग्राम आपको बनाया हुआ नहीं देगा। आपको जो चीजें दे रहा है दिया हुआ केंद्र उसके अकॉर्डिंग खुद को उस डायग्राम को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। उसके बाद इसने कहा डी व ई क्रमशः, ये जो डी और ई किन भुजाओं पर है, AB व BC पर है। तो डी बिंदु तो AB पर लेना है और ई बिंदु है वो BC पर लेना है। ये डी व ई बिंदु स्थित है दो। अब सिद्ध करना है AE स्क्वायर आपको लेकर आना है। तो बोधायनपुर में लगाओगे तब AE भुजा आपके वहां पे समकोण त्रिभुज में आएगी। तो उसमें आपको AE भुजा कैसे प्राप्त करेंगे कि AE को आपको जॉइंट करना पड़ेगा, तो A को E से जॉइंट करना है। दूसरा उसने कहा CD, तो इसका मतलब C और D बिंदु है तो इसको भी जॉइंट करना पड़ेगा, तो C को D से जॉइंट कर देंगे। AC नाम आ रहा है तो AC को जॉइंट किया हुआ है ऑलरेडी। DE, तो डी और ये ई बिंदु है तो इनको भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी ये समकोण त्रिभुज में कर्ण बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इन भुजाओं को आपने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग इन बिंदुओं को मिलाने से भुजाएं प्राप्त कर लिए। अब उपपत्ति के अंदर आपको सिद्ध करना में जो रिजल्ट है 4, ये देख करके आपको उपपत्ति का प्रत्येक स्टेप लिखना। देखिए सबसे पहले AE आ रहा है, तो A और E ये जो भुजा आ रही है वो कौन से समकोण त्रिभुज में है, ABE में है। तो ABE समकोण त्रिभुज में AE का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बोधायनपुर में अप्लाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि B कोण यहाँ 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ABE में बोधायनपुर में लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में बोधायनपुर में से, ABE में आप बोधायनपुर में लगाते हो तो कर्ण कौन सा है, AE कर्ण है। तो AE का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरा CD लेकर आना है, तो CD ये भुजा है, तो ये कर्ण कौन से समकोण त्रिभुज में है, DBC में है। तो अब आप ले हो समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में भी बोधायनपुर में लगाओगे आप, तो कर्ण कोण है इसमें DC का स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब तीसरा आ रहा है सिद्ध करना में AC स्क्वायर, तो AC कौन से समकोण त्रिभुज में, ABC में बन रहा है ये कर्ण। तो अब त्रिभुज लेते हैं ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें बोधायनपुर में लगाओगे तो कर्ण कौन सा है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब चौथा DE लेकर आना है, तो DE कौन से समकोण त्रिभुज इस छोटे वाले में कर्ण है, DBE में। तो अब ले लो आप समकोण त्रिभुज DBE में, तो समकोण त्रिभुज इसमें आप बोधायनपुर में लगाओगे तो कर्ण कौन है, DE का स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हो गया 4 नंबर समीकरण। ये चारों समीकरण पढ़ने जो सिद्ध करना में चारों AE CD AC और DE का स्क्वायर था, इनको देख करके अपन ने चारों समकोण त्रिभुज में ये चारों ही कर्ण है तो बोधायनपुर में अप्लाई कर दिया है। अब आपको यहाँ पे जो सिद्ध करना था उसके अकॉर्डिंग इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो लेते हैं अपन, और लेफ्ट पार्ट में AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को लेके चलते हैं और उसके बराबर आप ये सिद्ध कर दोगे। LHS है, वो LHS क्या है, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये पार्ट आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब AE का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से है, तो क्या है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस आगे कौन है CD, तो CD कौन सी, CD ये समीकरण नंबर 2 में DC लिखा हुआ ये है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों के स्क्वायर का जो योग है उसकी जगह ये चारों का योग आएगा, क्योंकि इनमें सभी समीकरण नंबर 1 और 2 में ये 2 है वो प्लस के अंदर है।
अब इन चारों से आपको राइट हैंड साइड में ये बनाना है AC square plus BE square। तो ये बनाने के लिए देखो AC square के लिए क्या चाहिए, AB square plus BC square। तो आपके पास यहाँ पे AB square भी है और BC square भी है, बस इनका जो लोकेशन है वो चेंज है। तो आप इन दोनों को पास पास रखिए, तो ये BC square को इसके पास लिख दीजिए AB square plus BC square plus। अब दूसरा आपको बनाना है DE का स्क्वायर, तो DE स्क्वायर DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर है, तो ये दोनों अपने पास ऑलरेडी है, तो इन दोनों को लिख देंगे अपने एज इट इज BE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब जो ये दो दो के वर्गों का योग है, तो ये तो समीकरण नंबर तीन से AC स्क्वायर के बराबर है और ये समीकरण नंबर चार से DE स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह तो क्या लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख देंगे DE स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और सिद्ध कर दिया है ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बोडाइन थ्योरम से रिलेटेड अपन ने किए तीन, तो बोडाइन थ्योरम और एक उसका जो कन्वर्ज है और तीन ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये चार पाँच जो है वो चार पाँच जो ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, तो इनको आप अच्छी तरह से कीजिए। अब आगे के जो वीडियो जो है वो अपनी 11वीं एक्सरसाइज के जो 2, 3 और 4 के जो मेन क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड अपन बढ़ाएंगे, जो कि मेन मेन क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रश्नावली के जो भी है। तो इसके लिए आप चैनल वीकेसी मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो है अपलोड हो और होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे हमें भी एनर्जी मिले और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करके बताएं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। जय हिंद।